Welcome to Power Vocab, and here I am with new 5 words and their meaning. So let's start. So the first one is ambrosial. Ambrosial का मतलब होता है स्वादिष्ट, सुगंधमय, having a very pleasant taste or smell. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका टेस्ट या फिर जिसकी स्मेल बहुत अच्छी है, वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे ambrosial. For example, the shop was full of ambrosial smells. जो शॉप थी या जो दुकान थी वो कैसी स्मेल से फुल थी? बहुत ही प्लीजेंट स्मेल से फुल थी. नाउ द सेकेंड वन इज imbecile. imbecile का मतलब होता है मूर्ख या मूर्खतापूर्ण. अ पर्सन हु बिहेव्स इन एन एक्सट्रीमली स्टूपिड वे. ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही स्टूपिड तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे imbecile. फॉर example, द किंग was imbecile. जो राजा था वो मूर्ख था. नाउ द थर्ड वन इज malefactor. malefactor का मतलब होता है अपराधी या हम कह सकते हैं दुष्कर्मी. अ पर्सन हु डज समथिंग रॉन्ग और इलीगल. ऐसा पर्सन जिसने कि कुछ गलत किया हो या फिर कुछ गैर कानूनी किया. फॉर example, malefactors विल बी पनिश्ड. जो अपराधियों को सजा दी जाएगी. नाउ द फोर्थ इज reticent. reticent का मतलब होता है कम बोलने वाला या हम कह सकते हैं मौन रहने वाला. ठीक है, अनविलिंग टू स्पीक अबाउट थॉट्स एंड फीलिंग. ऐसे पर्सन जो अपनी थॉट्स और फीलिंग को बोलना पसंद नहीं करते. ठीक है, फॉर example, ही इज़ एक्सट्रीमली reticent अबाउट हिज पर्सनल लाइफ. वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी reticent है, मतलब वो अपनी पर्सनल बातों को ज़्यादा बोलता नहीं. नाउ द लास्ट वन इज़ परमिएट. परमिएट का मतलब होता है टू डिफ्यूज थ्रू और हम कह सकते हैं पेनिट्रेट समथिंग. इसका मतलब हुआ फैल जाना या फिर रिसना. फॉर example, द स्मेल ऑफ फ्लावर्स पेनिट्रेटेड द हाउस. जो स्मेल थी या सुगंध थी जो फूलों की, वो पूरे घर में क्या हो गई? फैल गई. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. बाय एवरीवन.